हाय गाइस, आज आपके सामने दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बाल विकास के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बाल विकास दोस्तों सी टैट टैट और BTC में तो चलता ही है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बाल विकास। तो दोस्तों बाल विकास के क्वेश्चन तो वैसे आप बुक से भी पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पर आपको बिल्कुल समझाना है, डीपली समझाना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से बाल विकास के बारे में सीख जाएंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो के लास्ट तक आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रहना है हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर आ जाता है बाल विकास का अर्थ। तो पहले बाल विकास का अर्थ ज्ञात कर लेंगे हम। बाल विकास का अर्थ क्या है, यानी कि बाल विकास, बाल को तो मतलब बालक से मतलब लिया जाता है। बाल विकास मतलब बालक का विकास। बाल विकास वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन जन्म से लेकर किशोरावस्था तक करता है। ये परिभाषा हमारी दी है क्रो एंड क्रो ने। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बाल विकास वो विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भावस्था यानी कि जब तक बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, जब जब से लेकर किशोरावस्था तक करता है। तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं और उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है, उनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। बाल विकास से तात्पर्य क्या है, बालक के सर्वांगीण विकास से है। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि बाल विकास से तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास से है। बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन अधिकतर मिलता है दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। तो बाल विकास की अवस्थाएं हमारी तीन हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था और तीसरी किशोरावस्था। तो शैशवावस्था चलती है 0 से 5 यानी कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक चलती है, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है। तो विकास के स्वरूप भी यहाँ पर बताए गए हैं, इनको भी देख लीजिए। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, गति विकास, भाषा विकास। दोस्तों इस इनके बारे में तो आप जानते होंगे सारे पॉइंटों के बारे में। शारीरिक मतलब शरीर से संबंधित है, मानसिक मानसिक, संवेगात्मक कहते हैं जैसे क्रोध आ गया हमारे, प्यार है, ये सब संवेगात्मक में आते हैं। सामाजिक में है जो भी समाज में रहने कर जो गतिविधियाँ होती हैं, और गति विकास और भाषा विकास। यहाँ पर आ गया है बाल बुद्धि, हम यहाँ पर पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। बुद्धि क्या है, सभी में बुद्धि होती है, तो ये बुद्धि है क्या, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। बालक की मानसिक योग्यताओं का यानी कि बालक में जो मानसिक योग्यताएं हैं उनका पता लगाने के लिए हम उनकी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं कि दो बच्चे हैं, यानी कि दो बच्चे हैं, एक की बुद्धि कम हो सकती है, एक की ज़्यादा हो सकती है, दोनों एक समान नहीं हो सकते। हम कहते हैं अमुक व्यक्ति बुद्धिमान है वह दूसरा कम बुद्धिमान है, यानी ठीक है, तो दोनों व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, दोनों में बुद्धि अलग अलग पाई जाती है। सामान्यतः सीखने, तर्क करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। यहाँ पर परिभाषा ले लेते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा हमारी है, कार्य करने की विधि को बुद्धि कहा जाता है। टर्मन के अनुसार है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यानी कि जो चीज़ हमने देखी भी नहीं मतलब उनके बारे में हम सोच रहे हैं। बुद्धि में निम्न प्रकार की योग्यताएं आती हैं, तो कौन कौन सी योग्यताएं हैं यहाँ पर, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, सीखने की योग्यता और समस्या का समाधान करने की योग्यता।
अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझाने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, यानी कि जिस वातावरण में व्यक्ति रह रहा है उससे सामंजस्य करने की योग्यता भी बुद्धि में होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा यहाँ पर अधिगम। तो अधिगम के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे। अधिगम का मतलब है सीखना, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा स्थान बताया गया है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है। ठीक है, अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है और सीखना एवं अनुभव ग्रहण करता है, और यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह स्थानांतरण होता है। सीखना सार्वभौमिक है, सीखना एक प्रक्रिया है न कि परिणाम, यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यह प्रगति और विकास है। यहाँ पर दोस्तों आ जाते हैं हम, यहाँ पर बात कर लेते हैं अधिगम की विशेषताओं की। तो अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में बताते हैं हम। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम जो है लगातार चलता है, यानी कि सीखना। कोई व्यक्ति जन्म से पैदा होता है तो वो जब तक मृत्यु नहीं होती इसकी तब तक वह सीखता ही है। अधिगम अनुकूल प्रक्रिया है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है दोस्तों ये तो, और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। अधिगम चेतन और अचेतन अनुभव है। दोस्तों थोड़े से यहाँ पर प्रश्न ले लेते हैं हम आपके, अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं हम यहाँ पर, कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है बालक की हड्डियों के विकास में बहुत ही सहायक होती है। प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं हम यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न नंबर जो है, ये जो प्रश्न नंबर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ कब किया गया? ये 2001 में किया गया, यानी कि दिसंबर 2000 में किया गया। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसने करा? ये मरे द्वारा किया गया है। कैट परीक्षण किस आयु के बच्चों के लिए किया जाता है? ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के अधिकार की घोषणा कब की गई? 20 नवंबर 1989 में की गई। 6 नंबर हमारा यहाँ पर है, कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, ये किसने कहा? तो ये हमारे वुडवर्ड जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, किशोरावस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? दोस्तों ये क्वेश्चन मिल जाता है आपको, अधिक मिलता है, ये कहा है हमारे स्टैनली हॉल ने। प्रश्न नंबर 8 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है वुडवर्थ का। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, 9 नंबर, संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। तो क्या नहीं है वो? समस्या जो है संवेग की नहीं है। ठीक है।